अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी, बड़े कमेंट्स में आते हैं कि जी सास दामाद का जो रिलेशनशिप है उसको डिस्क्राइब करें। तो सोचा था कैसे करूं, तो मैंने कहा बड़ों को बिठा के खुद करते हैं यार। तो ये बड़ों का काम है ना, छोटों का काम थोड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। तो जी, अब हम जरा डिटेल में आपको बताते हैं कि सास दामाद का रिश्ता कैसे है, मेंटेन कैसे किया है हमने और हमारा डायनामिक कैसा है, तो अभी दिखाते हैं। तो जी, हम दोनों आपको बताने वाले हैं कि डायनामिक सास दामाद का कैसे होता है, फैमिली कैसे मेंटेन करते हैं और आप कितने फॉर्मल रहते हैं और कितने इनफॉर्मल होते हैं। क्योंकि मुझे कभी कमेंट्स के नीचे कुछ कोई बोला था कि आप छिछोरे हैं, आप बहुत छिछोरपन कर रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ कि यार ये भी फैमिली है, वो भी फैमिली है, आप फैमिली के साथ जैसे होते हैं मैं ट्रांसपेरेंट ही हूँ, तो जैसे आप देखते हैं मैं वैसा ही हूँ, तो उसमें मैं कोई ऐसे बनाता नहीं हूँ। तो आप ज़रा बताएंगी कि कैसा होना चाहिए। मैं काफ़ी लोगों को जब एक्सप्लेन करता हूँ ना, कहते वो कहते हैं नहीं यार आप ज़्यादा फ्री हो रहे हैं, आपको कम जाना चाहिए, आपको थोड़ा रिस्पेक्ट मेंटेन करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, दूर रहने से जरा। तो तुम उन्हें बताया करो ना कि नहीं भाई वैसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। आपको नहीं ना, मानते ही नहीं है। जब दिल का मामला आ जाता है ना भाइयों बहनों, जब दिल का मामला आ जाता है ना, दिल से जब कोई किसी से प्यार करता है, दिल से कोई किसी को अपना कहता है, फिर ये बाउंड्रीज शाउंड्रीज नहीं काउंट करती। ठीक है, उनका पॉइंट ये होता है कि थोड़ा सा एक डिस्टेंस उस हवाले से होना चाहिए कि जो कि हमारे दरमियान है। वो सब में होना चाहिए, वो आपके अम्मी अब्बू, वो आपके अम्मी अब्बू के बीच में भी होना चाहिए, आपके बहन भाइयों के बीच में भी होना चाहिए, आपके हर रिलेशनशिप में, दोस्तों में भी होना चाहिए। एक बाउंड्री होती है तो उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, वो तो हर रिलेशनशिप में होती है। लेकिन उसके अलावा ये मतलब नहीं है उस बाउंड्री का कि आप अपने दिल की बात ना कहें या आप बिल्कुल ही वो दिखें ही ना जो आप हैं। तो ऐसा तो कोई नेचुरल होना चाहिए। जब बंदा अपने भाई, इनके भी दो घर हैं, दामादों के भी दो घर होते हैं, वो घर भी और ये भी अब इनका है, बेटियों के भी दो घर हो जाते हैं, मैका और ससुराल। तो ये जब दोनों घर हैं तो दोनों घरों में सेम ही रहना है ना, अपनेपन से अपने घर की तरह कंफर्टेबल। अली हमजा को तो इतना टाइम लगा था, किचन में नहीं जाता था। वैसे मैं जाता ही कहती हूँ, इसी में जाता ही कह रही हूँ। तो मैं अनिया से माइंड करती थी, मैं कहती थी क्यों भाई कंफर्टेबल क्यों नहीं हो रहा हमारे साथ। बैठा के कहती हैं देखो बेटा अब आप फैमिली हो, आप किचन में जाओ, आपको जो बनाना है आप बनाओ, आपको कुछ खाना है तो आप बताओ। फिर अनिया मुझे कहती थी नहीं मम्मा वो नहीं कंफर्टेबल हो रहा अभी। फिर मैं अपसेट हो जाती थी लिटरली। हाँ शर्म आती थी ना उस टाइम पे। अच्छा तो मैं परेशान हो जाती थी, मैं कहती थी कि मैं तो पहले दिन से हमजा के साथ बिल्कुल ओपन हूँ, मतलब मैं जो फील करती हूँ मैं बात कर लेती हूँ, मशवरा भी ले लेती हूँ, हमजा इसका क्या करना है उसका क्या करना है मुझे बताओ, इसको कैसे होना चाहिए, अभी मैंने जो इक्विपमेंट खरीदा है सब हमजा से पूछ पूछ के खरीदा है। तो ये जब हक या मान किसी पे होता है तो फिर खैर, फिर अब माशाल्लाह ये है, आज ही अपने ब्रेस्ट फिलेज चिकन के खुद फ्राई कर रहे थे, उसके बाद अपनी कॉफी रोज सुबह खुद बना, मैंने किया था सुबह। हाँ हाँ हाँ, कल चाय हमारे लिए बनाई थी, कल भी मैंने, कल मैंने किया था। हाँ कल चिकन, माफ कर दो बहन, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, कर दिया माफ, शुक्रिया। तो वो कल अपनी वो चिकन का जो इनका डाइट का मील होता है कैलोरीज के हिसाब से, तो वो बना रहे थे खुद, उसके बाद अपनी कॉफ़ी खुद होती है, किचन में आना जाना वहीं पे, मैं कहती हूँ बैठ जाओ, मैं चांपे फ्राई कर रही हूँ तो हम लोग यहीं बैठ के खाओ सब। तो मुझे इतना मज़ा आता है। अच्छा मुझे बहुत शौक था कि किचन में ना डाइनिंग हो, छोटा सा बैठने की जगह हो, लेकिन हमारे किचन में जगह नहीं है तो मैंने वो काउंटर के पास ही चेयर्स लगा ली हैं दो तीन, तो उधर बैठ के जब हम कभी खाना खाते हैं, क्योंकि सर्दियों का बचपन का एक मंज़र मेरे दिमाग में है हमजा, वो लकड़ी की छोटी बींडियाँ होती थी ना, इतना पुराना नहीं होना, बिंडी होती है, बिंडी बिंडी क्या होता है, बिंडी जो मेरे गांव में रखी हुई है, पीड़ी। हाँ पीड़ी, लकड़ी की पीड़ी, वो होती है, चार वो उसके होते हैं और जिसके अंदर वो बांस का ये उसका तो काम, पीड़ी तो बोलते हैं, वो लकड़ी की बनी है पूरी, जो रेड कलर की नहीं है, अच्छा बिंडी बोलते हैं वो, हम गुजरात में बिंडी बोलते हैं, पुराने जमाने में होता। हाँ पुराने जमाने में कह लो, तो पुराने जमाने की। तो उस पे बिठा के किचन में, छोटा सा किचन होता था हमारा मिडिल क्लास, और अब्बा ने हमारे बड़ी मेहनत से वो करके, तो अम्मी जब सुबह पराठा और चाय हमें देती थी ना वहाँ बिठा के, और सर्दियाँ होती थी, वो मंज़र, मैंने अपना गांव भी इसलिए बनाया कि वो मंज़र ही नहीं मुझे भूलता। तो बस वो चीज़ जहन में रह गई थी। तो अब ये काउंटर पे बैठ के जब ये लोग चांपे मांग रहे थे जल्दी जल्दी जल्दी, और मैं फ्राई करके दे रही थी खा रहे थे,
तो मुझे लग रहा था मुझे वो तस्कीन मिल रही थी जो अम्मा के हाथ का पराठा खा। बहुत बहुत मजे की आज चांपे हमने खाई है। आज आज ना ईद हो गया और अभी हया के ससुराल वाले भी आने वाले हैं। हया ने भी हया तो ससुराल वाले आने वाले कल तो हया के ससुराल वाले चांपे बनेगी ना तो देखो वो तो शर्मा शर्मा में खाएंगे। एक और चीज भी मैं बना रही हूं जो हया की सास को बहुत पसंद है, हलीम बना रही हूँ उनके लिए। अरे हाँ बेचारी पे बोले थे कि हलीम को मैं तो वेट करती थी, हलीम बनाई नहीं आपने तो कल बिकॉज़ चिकन नहीं मिली थी। कल हलीम बना रही हूँ और अगर कुछ और बनाना है तो मुझे बता दो। चांपे फ्राई कर रही हूँ। डू यू वांट समथिंग इन राइस? चने का पुलाव बना ले। पुलाव चटनी हलीम चांपे चांपे या फिर ये हो सकता है कि हलीम चंकी होगी। मैं बहुत ज्यादा क्रीमी नहीं बनाती। हाँ चिकन की बना रही हूँ, ठीक है ना? अभी राहिब को मैसेज करूंगी, उसके बाद चिकन फौड़ी होगी, फौड़ी। तो यार जो भी लोग नीचे अगर कमेंट्स करते हैं, कभी आपके अगर माइंडसेट भी ऐसा है ना कि आप अगर दामाद हैं तो आप वो अपनी बीवी के घर का पानी भी ना पिए, वहाँ पे जाएं भी ना और मेंटेन करें, तो वो मेंटेन करें तो यार आपका माइंडसेट है, मैं तो चेंज कर नहीं सकता। मैं तो आपको बता सकता हूँ 2022 में ऐसा होना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि 2002 में भी ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन था सारे मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के, ऐसा ही होना चाहिए था। मैंने देखे इतने पुराने कपल जो जिनको शायद मैं भी देख के कहूँ कि जन मुरीद हैं, लेकिन ये है कि वो उस जमाने के 90 years old आई हैव सीन हमारी मेरे हस्बैंड की फैमिली में है, इतना बीवी को पाँव दबा के जगाते हैं बीवी को ना। और एक बात बताएं, एक बात बताएं, कोई गलत बात है? कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत। डैडी ने मुझे बोला था नहीं पैन नहीं दबाता, लेकिन बात करो यार, ख्याल करना। और हाँ इसमें कोई अच्छी बात है, तुम मेरी दबा दोगे? ये देखो ये गिव एंड टेक, तो बड़ी सिंपल सी चीज है। देखिए मेरे ना वाले साहब ने मुझे बोला नहीं, इस उम्र में पाँव कौन दबाता है मुझे बताओ? तुम लोग जिम जाते हो, सब वो करते हो, तो मसल है ना, पाँव तो नहीं, तो टांगे लेग डे नहीं लगाते होंगे? असल में देखिए सीन ये होता है कि रन मुरीद एक कॉन्सर्ट बनाया है पाकिस्तान में कि अगर आप बीवी का ख्याल करते हैं ज़्यादा और आप अटेंशन देते हैं, आप यू नो दोनों तरफ इन्वॉल्व है, ससुराल में भी अपने घर पे भी, तो आप रन मुरीद हैं। तो या तो ये लेबल ये, और ये मजे की बात पता है कि मैं चाचू से बात करता हूँ, मेरे चाचू जर्मनी में रहते हैं, तो वो मुझे कहते हैं कि यार ये जो टाइटल है ना ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक महदूद है, गोरे ऐसे नहीं करते। और बात सही है, आप अगर ख्याल करते हैं, अगर बीवी का ख्याल करते हैं या अपनी फैमिली का ख्याल करते हैं, इसमें कौन सी गलत बात है? इसमें एक ये माइंडसेट बना हुआ है पाकिस्तानियों का कि नहीं यार ये गलत है, तो ये क्या गलत है? क्या जन मुरीद होना? हाँ। और इसमें अच्छा और एक और चीज होती है भाई, मैं तो अपने मियां वाला ही जवाब दूंगी। स्कोप है भाई, स्कोप है इस चीज का, स्कोप है। और क्यों नहीं, बीवी मियाँ की मुरीद हो, मियाँ बीवी का मुरीद हो। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था दो आंखों, फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। मैंने शेर का कीमा बना दिया। ये गोद में क्या कर रहा है? ये इंतजार कर रहा है कि मैं इसे बाहर लेके जाऊं वॉक के लिए। पॉपी अब ये जब इसको वॉक करनी होती है ना, मेरा पीछा नहीं छोड़ता, इस तरह मेरी इस तरह बाजू में आके बैठ जाता है। अभी देखना इसके कान देखना। चले पॉपी चले, वो फ्लरी अनिया फ्लरी फ्लरी वाला फ्लरी। अच्छा फ्लरी 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 जो है ना वो है पॉपी की गर्लफ्रेंड, तो पॉपी घर से भाग जाता है और फ्लरी के घर पहुंच जाता है। तो कल रात को हम ढूंढते रहे हैं पॉपी को और पॉपी नहीं मिला। रात को नहीं, सुबह के चार बजे पॉपी को हम ढूंढते रहे हैं रोड पे, पॉपी पॉपी, और पॉपी फ्लरी के घर पहुंच जाती। तो जी ये हालत होती है, ये है जी मौसूफ। तो ये भी देखे रन मुरीद हुआ ना, गुड वन। तो आप लोग हमें, मेरे बच्चों को अपनी दुआओं में बहुत याद रखें। हम आपके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में सुख चैन दे, खुशियाँ दे, प्यार मोहब्बत दे, यही ज़िंदगी का सासा है। और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आपसे तो मुलाकात होती रहेगी, मेरी भी, अली हमज़ा की भी, और हमारी जो समधन है उनकी भी, निगत्स किचन। तो अम्मा का नाम ही पड़ गया निगत्स किचन। हाँ निगत्स किचन। तो इंशाल्लाह दोबारा जल्दी मुलाकात होती है। अपना अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब मैं इसे वॉक पे लेके जा रही हूँ, और अली हमजा यू आर अ ग्रेट मैन, माशाल्लाह। चले गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं ख्याल रखिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।